राधा स्वामी मठ में हम पोथियों में भी पढ़ते हैं, शब्द पाठ भी करते हैं, बातें पिंड और ब्रह्मांड ब्रह्मांड से परे सत्य देश की पढ़ते सुनते हैं, चर्चा करते हैं। मन इंद्रियों की बातें करते हैं, मन को बस में करने की बात करते हैं, सूरत के चढ़ने का जिक्र करते हैं, पर इस सब की शुरुआत कैसे होती है? ये सब ठीक है, सच होता है, हर सत्संगी के संग होता है, हमारे साथ भी होगा, पर कैसे हो? तो राधा स्वामी मत में ये गुरु मत है, कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला, कोई सिखाने वाला तभी तो होगा, सोचने से तो नहीं होगा। तो ये बताने वाला, सिखाने वाला, हाथ पकड़ के चलाने वाला, इसीलिए राधा स्वामी मत को गुरु मत कहते हैं। और ये गुरु शिष्य परंपरा है, अंध भक्ति का मार्ग नहीं है कि हमने आपको गुरु मान लिया अब हमारा भला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये करने का मत है, गुरु के वचन पर अमल करेंगे तो होगा। स्कूल में एडमिशन लेने से डिग्री नहीं मिलेगी, पढ़ाई करने से मिलेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत होती है संदेश और उपदेश। संदेश और उपदेश अगर सही नहीं मिला तो दिशा भटक जाती है। बैनर पोस्टर लगा दो राधा स्वामी, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर राधा स्वामी मत का संदेश और उपदेश मिलेगा तब राधा स्वामी मत मिलेगा। इसलिए गुरु और उपदेश की बड़ी भारी महिमा है इस मत में। हम सारी पिंड ब्रह्मांड और सत्य देश नाप लेते हैं, बस एक गुरु को ही खोज नहीं पाते, अपने भीतर चल नहीं पाते और ब्रह्मांड लांघने की बात करते हैं। ये भटकाव, भटकाव का कारण हमारी कमी नहीं है, जीव में कमी नहीं है, उसमें पूरी श्रद्धा है, भक्ति है, कुल मालिक पर विश्वास है, बस किस पे भरोसा करे? आज तो जगत में हर भटकाने वाला ही बैठा है। इसलिए राधा स्वामी मत कहता है अपने वक्त के गुरु की खोज करो, मानो मत, देखा दिखाई, सुना सुनाई, मन का माना, ये गुरु राधा स्वामी मत में नहीं चलेगा। दादू दयाल कहते हैं दो पैसे की मटकी लेने जाता है तो 6 बार बजा के देखता है, गुरु क्या ऐसे ही धारण कर लेगा? आज मैं आप लोग से राधा स्वामी मत के संदेश और उपदेश पे चर्चा करूँगा, ताकि आँख खोल कर चलें, ठग विद्या में फंसने से बचें और संभल संभल पग धारिए, परख परख मन चालिए,
ये नहीं कि भागे चले गए, नहीं, याद कर लीजिएगा गुरु बनाने से पहले दादू की वो बात, दो पैसे की हांडी। सो राधा स्वामी मत का संदेश और उपदेश क्या है? अगर हमें ये मिला तो फिर हमें मिला, और अगर ये नहीं मिला तो कुछ भी मिला, पर राधा स्वामी मत का ना संदेश मिला ना उपदेश मिला। तो एक पैमाना चाहिए ना परखने के लिए, तो आज वो पैमाना बता रहा हूँ। ना तो मैं संदेश दे रहा हूँ ना मैं उपदेश दे रहा हूँ, पर क्या होता है संदेश और क्या होता है उपदेश ये बता रहा हूँ, ताकि हम धोखे से बच सकें और खुद को बचा सकें। तो राधा स्वामी मत का संदेश, कोई भी प्रेमी अधिकारी जीव किसी भी जिज्ञासु जीव को दे सकता है, ये राधा स्वामी मत है। इसमें यह बताया जाता है ये हमारा इष्ट है, उससे पहुंचने का मार्ग के लिए सद्गुरु खोजा जाता है, उनके वचन पर चिंतन और मनन करते हुए अमल करना ही रीत है। हो गया संदेश, कोई भी किसी को भी बता सकता। तो करूं क्या जब तक गुरु नहीं मिलता? अगर विश्वास जड़ है तो मन में राधा स्वामी नाम का मानसिक जाप करो, ना माला जपो ना बोल के करो मन। पर उपदेश सिर्फ वक्त के सद्गुरु द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है और किया जाता है, ये कोई भी किसी को नहीं दे सकता। उपदेश के पहले भाग या भाग एक के उपदेश में सद्गुरु द्वारा ध्वनात्मक नाम, वर्णात्मक तो सबको पता है, ध्वनात्मक नाम या शब्द धुन के सुमिरन की विधि बताई, अपने सामने निज बल प्रदान करते हुए करवाई जाती। खाली बताना तो संदेश में आ गया, अपने सामने निज बल प्रदान करते हुए करवाई जाती है। यह उपदेश एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है। यह उपदेश ग्रहण करने वाले जीव की निष्ठा, भक्ति और लगन पर निर्भर करता है कि वह कितने समय में एकाग्रचित और सफल हो पाता है। कुछ वक्त तक विधि पूर्वक अंतर्धुन के अभ्यास द्वारा जब तीसरे तिल पर चेतना का ठहराव होने लगता है, जिसमें करीब 4 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है, यदि बिना नागा प्रतिदिन ये अभ्यास किया जाए। कितनी देर? जितनी देर मन टिक सके। कोई नियम नहीं है, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट भी मन टिकता है तो टिकने दो, पर बिना नागा रोज करो। तो 4 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है, और ये वक्त जीव की लगन, सेवा और निष्ठा पर निर्भर करता है कि कितना वक्त लगता है। तब जब ये चेतना का ठहराव तीसरे तिल पर होने लगता है, ठहराव
रुकने लगती है। ये नहीं पहुंची और फिसल गई, नहीं, ठहराव, रुकने लगती है। तब उपदेश का अगला भाग या भाग दो का उपदेश, जो कि शब्द उपदेश है, पहला क्या था, शब्द धुन उपदेश, भाग दो क्या है, शब्द उपदेश। सद्गुरु वक्त द्वारा तीसरे तिल को खोलने की प्रक्रिया को पूरा करते हुए दिया जाता है, तीसरे तिल का द्वार खोला जाता है, तब यह उपदेश दिया जाता है, शब्द उपदेश भाग दो। इसमें कुल मालिक की दया और सद्गुरु की मेहर शामिल होती है, साथ ही मार्ग में सुनाई देने वाले हर मंडल के शब्द और वहां के प्रकाश से परिचित करवाते हुए मार्ग के हर विघ्न और उनसे बचाव का उपाय भी बताया जाता है। यह है भाग दो का शब्द उपदेश। यही समद गुरु हुजूर बाबूजी महाराज का कहना है कि एक बार तो सबको सतलोक की सैर करवा दी जाएगी, एक बार तो, फिर अपनी मेहनत, अभ्यास, लगन, निष्ठा, एकाग्रता, निश्चलता, निश्चिंतता, इस पर निर्भर करती है ये यात्रा। यही उपदेश के अगले पड़ाव में सूरत के अंतर मार्ग को खोलना और सद्गुरु के निज बल के आश्रय सतलोक के आनंद का अनुभव है, जो बाबूजी महाराज कहते हैं। सद्गुरु द्वारा कभी भी शब्द उपदेश यानी भाग दो का शब्द उपदेश भीड़ या दो लोगों को भी एक साथ नहीं दिया जाता, ना ही किसी सद्गुरु ने कभी दिया है। तो मैं आपको कोई नई दिशा नहीं दी, मैंने इस जानकारी का आशय सिर्फ इतना है कि आप जिस भी स्तर से कुल मालिक को याद कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, पर जीव के सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज करना आवश्यक है। ये व्याख्या ना तो राधा स्वामी मत संदेश है और ना ही शिक्षा। तो व्हाट्सएप या यूट्यूब पर केवल कुछ जानकारी ही मिल सकती है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। सो ध्यान रहे कि ध्यान कभी किया नहीं जाता, बल्कि हो जाता है। कैसे? इसके लिए धुन के भेदी और धुर के ज्ञाता वक्त गुरु से उचित शिक्षा और विधि पूर्वक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए राधा स्वामी मत में सद्गुरु को मान लेने की नहीं, पर खोज करने की समझौती दी जाती है। जीव को किससे, क्या,
और कैसे मिला ये तो वो स्वयं ही समझ सकता है। सद्गुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन ये। राधास राधास। कोई प्रश्न? बोल रहे थे कि सद्गुरु को कैसे जाने, सद्गुरु की खोज कैसे करें। ये देखिए, इसमें डेढ़ घंटे का वक्त लगेगा इसे अच्छी तरह से जानने और समझने, पर थोड़े में मैं वो बोलता हूँ जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया है कि पहले कुछ दिन उनका सत्संग करो। सत्संग का मतलब उनके ऑडियो वीडियो देखना सुनना नहीं है, सत्संग का अर्थ है उनका संग साथ और सानिध्य करो। तब उनकी जो चेतना आपकी चेतना में मिलेगी, इसका गुण भेद ये है, संग साथ और सानिध्य। संग का मतलब है उनके वचन को ध्यान से सुनना, साथ का मतलब है जो वचन सुने उन पर मनन और चिंतन करना, सानिध्य का अर्थ है जो सुना समझा मनन चिंतन करके उस पर अमल करना। तो ये है संग साथ और सानिध्य। तो जब सद्गुरु का आप कुछ दिन संग साथ और सानिध्य करेंगे तो आपके अंतर में स्वयं उनकी पहचान होने लगेगी। और पहचान ये है कि सबसे पहला विरोध आपका मन करेगा, आपका मन आपके दिमाग में इन विचारों को डालेगा, कहाँ फंस रहा है, झूठा है, लंपट है, उसका भी तो घर है, परिवार है, कोई आसमान से उतर के आया है, देख अपना धंधा पानी नौकरी करता है, दुनियादारी करता है और तुमको दुनिया से छोड़ाना सिखाता है, ऐसे बोलेगा मन। तो सबसे पहला विरोध आपका अपना मन करेगा, दुनिया तो बाद में कहेगी झूठा है या सच्चा। तो जब आपका मन विरोध का झंडा खड़ा कर दे और दिल खींचा चला जाए, बेचैनी, तड़प, बेकली खींच के ले जाए कि नहीं यार जाना है, सुनना है, तो जब दिल खींचे और मन विरोध करे, सो दौड़ो भागो पकड़ो सर, ये अवसर बहुरी ना मिले। एक बार परख के जिसने खो दिया उसे इस जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बस यही पहचान। और अगर विस्तार से बारीकी से समझना है तो कुल मालिक का एक वचन है अंतर्ध्यान होने से पहले कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमरन और ध्यान नाम का, इसके सिवा कलयुग में कोई करनी नहीं बने। यानी अगर ये तीन बातें हैं तो कुछ करो या ना करो, कहीं माथा टेको ना टेको, गुरु को पकड़ लिया तो उद्धार हो जाएगा। कोई पाठ करो, पोथी पाठ करो, कुछ करो, सब उचित है, सब हमें प्रेरित करता है अंतर में जाने के लिए, सब टूल्स हैं अंतर यात्रा के, पर अगर अंतर यात्रा ही ना करी तो टूल बटोर के क्या करो। तो जिसने ये तीन ये थ्री स्टेप फॉर्मूला है, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमरन और ध्यान नाम का, तो इसको समझ लिया उसका तो बेड़ा पार हो गया, वो तो जीते जी मुक्त हो गया।
इसे समझने में घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटे का वक्त लगता है इन तीनों स्टेप को समझने में, क्योंकि मामूली सी बात अगर कहें कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, इसी में इतना गहराई है। पहले तो सद्गुरु मिले, सद्गुरु मिले तो उसका स्वरूप मिले, स्वरूप मिले तो ध्यान करने की तमीज हो। तो ये जो पूरी डिटेल क्लास है वो डेढ़ घंटे शॉर्ट में, इतना दो पैसे की हंडी बजाओ, कुछ दिन संग साथ सानिध्य करो, पता लग जाए। और कोई कभी इसके लिए डेढ़ घंटे का वक्त निकालना पड़ेगा तब ये पूरी वर्कशॉप हो सकती है। वचन 16, और यही पूरे राधा स्वामी मत की जड़ है। मालिक का वचन है, कुल मालिक का, कि कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी, केवल सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का बनेगा। साफ कह दिया, ये नहीं समझ में आया और किया तो चाहे कुछ कर डालो, कोई करनी काम नहीं आएगी। तो यही था संदेश और उपदेश, ये नहीं तो ना संदेश ना उपदेश। संदेश उपदेश के नाम पे चाहे कोई भी कहानी पढ़ा दी गई हो, और ये वक्त गुरु के सिवा उपदेश कोई नहीं दे सकता। वन टू वन होता है शब्द उपदेश, भीड़ या दो लोगों को भी एक साथ नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये सतलोक की सैर जो कराई जाती है वो सद्गुरु अपने चैतन्य बल को आपकी चेतना से जोड़ के एक जैक की तरह उठाते हैं, और मार्ग के सब वन वे वॉल्व्स जो आप पार करके नहीं जा सकते, द्वार बंद हैं, उन्हें खोलते हैं और सतलोक तक खोलते हैं। यही बाबू जी महाराज का वचन है कि एक बार तो सबको सैर करवा दी जाएगी। ये वक्त उपदेश का ही होता है, फिर जीव को सारे विघ्न बाधाएं तरीके सारे शब्द और प्रकाश से परिचित करवाया जाता है और वापस तीसरे तल पे छोड़ दिया जाता है, जहां से आपको उठाया था या आपकी सूरत को उठाया था, और फिर आपकी लगन मेहनत निष्ठा अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप कितनी और कितनी जल्दी इस यात्रा को कर पाते। तो ये है राधा स्वामी मत का उपदेश। पहला संदेश कोई भी अधिकारी किसी को भी दे सकता है। भाग एक का वो भीड़ में कई लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। भाग दो वो शब्द धुन का उपदेश है। भाग दो शब्द का उपदेश है, वो वन टू वन। कभी किसी गुरु ने भीड़ में दो चार लोगों को कभी उपदेश नहीं दिया। तो अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हाँ, हमको तो हो गया, उनको तो यही मालूम है ना, जैसे आपने बताया तो पता चला, तो ये सोच रहे हैं कि हो गया उपदेश, यही होता है। इसीलिए आज बताया, इसीलिए तो आदमी कि हम बातें तो बहुत करते हैं। हाँ, उसके आगे खोज में सोचता है कि तो जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु ने मिला तो उपदेश किसने दे दिया, तो वही तो। हाँ, लेकिन वो तो ये सोच रहे हैं वचन में, ये पर्चा भर के उपदेश दिया, उसी से सोच रहे हैं कि अपना तो हो गया, ऐसा सोचते हैं ना। मालिक के दरबार में जीव की आईडी नहीं देखी जाती। जीव मालिक तो दयाल है, जीव पर दया करेगा, क्षमा करेगा। परखा सद्गुरु जाता है, परख सद्गुरु की होती है मालिक के दरबार में। क्या लेकर आए हो, किसे लाए हो, कितना शिक्षित किया है, मेरे दरबार के योग्य बनाया भी है या भीड़ लेके खड़े हो गए। परखा सद्गुरु जाता है, जीव नहीं।
जीव के वास्ते तो क्षमा है। ये चार बंदी खाने गुरुओं के ही लिए हैं। महासुन से कोई ना डरे, प्रसंग उठ गया है तो बोल रहा हूं, महासुन और उसके अंधेरों से कोई ना डरे, क्योंकि महासुन उसके चार बंदी खाने जीव के वास्ते नहीं है। ये चार बंदी खाने चार स्तर के गुरु जो स्वामी जी महाराज ने वचन 250 से 55 के बीच में बताए हैं। राधा स्वामी मत में चार स्तर हैं गुरुओं के, ये चार बंदी खाने उन गुरुओं के वास्ते हैं, किसी जीव के वास्ते महासुन नहीं है। पार करना पड़ता, पर वो बंदी खाने जीव के नहीं गुरुओं के वास्ते, जो यहां ठग विद्या करते हैं, हैं दूसरे स्तर के गुरु। और बता रहे हैं हम सदगुरु पूरे हैं, जीव को ठग रहे हैं, हैं पहले स्तर के गुरु, बता रहे हैं पूरे साध हैं, ठग रहे हैं जीव को। जो मालिक के नाम पर जीव को ठगता है, जो कि मालिक का अंश है सुरत, जो उसे ठगता है, उसके वास्ते वो चार बंदी खाने, वो वहीं जाएगा अनंत, न कभी पैदा होगा न कभी मुक्त हो, उसी अंधेरों में पड़ा रहेगा। सो दाता तो दयाल है, परखा जीव नहीं सदगुरु को जाता है, जवाब दे वो है, दोषी जीव नहीं है। वो तो घर से मालिक की खोज में निकला था, उसने तो विश्वास किया मालिक के नाम पे विश्वास किया, पर जिसने भटकाया दोष उसका। जीव तो घर से मालिक को ही खोजने निकलता है, और बहुत से निकृष्ट हैं जो वैभव देख के फंस जाते हैं, अरे वो डेरा बड़ा है वहाँ सुविधा ज़्यादा है, तो वो तो संसारी जीव हैं, अपने कर्मों का फल पाएंगे, उनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, वो संसारी कर्म का फल पाएंगे। सो अभी तो जा रहा हूँ सूरत, उम्मीद है 15 दिन में वापसी होगी, उसके बाद रक्षाबंधन पे फिर जाना है, बाकी जो यहाँ काम है करवाने हैं उसी लिए जल्दी लौटना होगा। तो गुरु पूर्णिमा पे हाँ चले जाएंगे, हैं हाँ 15 दिन तो वहीं समझो, और लौट के कुछ वर्कशॉप्स करेंगे, खासकर 20 से 30 साल के बच्चों के लिए, 20 से 30 साल की उम्र के बच्चों के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप्स हैं, जिससे उनको दो वर्कशॉप्स हैं, एक सेल्फ मोटिवेशन एंड एनालिसिस वर्कशॉप, दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन एंड अचीवमेंट वर्कशॉप। ये दो दो घंटे की हैं, ये लौट के हम करेंगे, और इस एज ग्रुप के बच्चों को उसमें इनवाइट करेंगे। वहाँ हम राधा स्वामी मत, परमार्थ, अध्यात्म या सत्संग का बात ही नहीं करें, बिल्कुल नहीं। सेल्फ मोटिवेशन और रियलाइजेशन के कोर्स हैं, अचीवमेंट्स के कोर्स हैं, हम बच्चों के अंदर की उस छुपी हुई योग्यताओं को बाहर लाने और उसके बेहतर इस्तेमाल
प्रवीणता निपुणता परफेक्टनेस एक्यूरेसी सक्सेस। एक कहावत है भूखे भजन ना होए गोपाला, तो बिना जीवन में सफलता के अंतर में किसी को सफलता नहीं मिल सकती। जीवन जाना है तो जीना है, जीवन छोड़ के नहीं जाना है, जीना है। जितने अच्छे से और सफल जीवन जिएंगे उतने ही अच्छे और अंतर में सफल हो। तो अंतर में सफल होने से पहले सांसारिक जीवन में सफलता भी आवश्यक है। इसलिए हम ये जो 20 से 30 साल का एक 35 साल फायदा तो 40 वालों को भी होगा, लेकिन हम बुढ़े तोते तो रटते हुए चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जा रहे हैं? आज की वो पीढ़ी नहीं है कि हम कहें बेटा सत्संग में बैठो, सुमरन करो, भजन करो, ध्यान करो। उसके सामने उसके जीवन के इतने लक्ष्य हैं, उसका कैरियर है, पूरा जीवन पड़ा है, उसका ध्यान पहले वहाँ है। तो पहले उसको वहाँ तो सफलता दिखाओ, तो अंतर भी सफलता सीख जाएगा। बीजा हम डाल देते हैं, बीजा हम डाल देते हैं अंतर का, क्योंकि ये सारी सफलता हो या सफलता, ये कंट्रोल तो हमारे अंदर से ही होती है ना, मन बुद्धि। तो हम ये वर्कशॉप इस एज ग्रुप के लिए करेंगे, उन्हें अध्यात्म और सत्संग और परमार्थ नहीं पढ़ाएंगे, उनको उन्हीं से परिचित करवा देंगे। ये तुम हो, ये तुम कर सकते हो, वो अपने आप पहुंच जाएंगे वहां तक। क्योंकि आज की पीढ़ी का बौद्धिक स्तर हमारी पीढ़ी से बहुत ऊंचा है, जितना वो विचार करती और समझती है आज की पीढ़ी। इस उम्र में हम इतना विचार और समझदार नहीं थे। तो ये बहुत तेज़ी से वक्त आगे जा रहा है, तो हमको बच्चों का साथ निभाना है, उनको पकड़ पकड़ के पीछे नहीं लाना है कि चलो सत्संग में बैठो, गुरुजी का माथा टेको। नहीं, हमें तो उनके दिलों को खोलना है। उनका दिल खुलेगा, वो अपने आप सत्संग में बैठेंगे, वो अपने आप माथा टेकेंगे, है ना, वो अपने आप इसका महत्व समझेंगे। जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। तो आगे मालिक की मौज, ये विश्वविद्यालय आने वाली पीढ़ी के लिए तो बन रहा है, पूरा बन भी नहीं पाएगा, हम निकल जाएंगे। जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम तो बस शुरुआत कर पाएंगे, इसे पूरा तो अगली पीढ़ी ही करेगी। इतनी उम्मीद नहीं करते कि हम बैठे रहेंगे। अरे मालिक की समाध बननी थी, 5-5 गुरु अंतर ध्यान हो गए, समाध आज भी बन रही है, इतना भारी काम है। तो वो तो चलेगा, भाई जो अगली जनरेशन है ना, वो उसे आगे बढ़ाएगी। पर अगली जनरेशन को हम इस लायक तो बनाएं कि वो उसे आगे बढ़ा सके, वरना कैसे बढ़ाएगी? सब हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ। मैं हूँ, भगत जी हैं, आप हैं, चार लोग वहाँ सूरत में बैठे हैं, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई वहाँ शिमला में बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, ये सब मिलके। मेरे पास थोड़ी कोई सामर्थ्य या ताकत है। ये जो सबका प्यार मिलता है ना, बस वही ताकत है। अब वो उसकी मौज के बिना नहीं मिलता। तो सब संभाल करता है और करेगा। राधास बार बार करो बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे जित चरणन लागे।
जन्म जन्म रही भूल मैं नहीं पाया भेद, कल कर्म के जाल में रही भोगत के जगत जीव भरमत फिरे नित चारो खानी, यानी जोगे पिल रहे सब मन के गानी, भाग जगा मेरा आज का मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मुहि भेद जनाई, ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी, राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, मेरा अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई, साध संग कर सार रस मैंने पियाया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई, तड़प उठे बे कल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन तिरकाई, सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा, आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिज चरण तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगू दाना नेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूंगा वत रहूं नित राधा दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूंगा वत रहूं नित राधा स्वामी, शुक्र करूंगा वत रहूं नित राधा स्वामी, बार बार करूं बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे, बार बार कर जोड़ कर शरण करो पुकार, साध संग मोहि देवनित परम गुरु दातार, साध संग इंद पुमरत पुरुष आज अनाज अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदायदार, बार बार बल तन मन वारू चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा कर, करो तुम से वह अचल भक्ति मोहि देवा,
प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ कहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब देव गुण हार मैं प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुर समरत तुम बिन और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दरति विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सबने करूं पुकार साध संग मोहि देवनित परम गुरु दातार साध संग मोहि देवनित परम गुरु दाता भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे रस पागे लेने व्यंजन अमीरस पागे गगन शिखर पर बजाहे नगारा गगन शिखर पर बजाहे नगारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग स्वामी सारा काल कर्म को खाग छिन में काल कर्म को खाग छिन में जंगे नाम धराया बल में जंगे नाम धराया बल में ऐसा भोग ऐसा भोग लगा नहीं कभी राधा स्वामी का गए सबको अब ही राधा स्वामी खा गए सबको अब ही भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे सभागे लेने मिंजन अमीरा सभागे